सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशाण वंश की। टॉपिक की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में मैंने आपको सातवाहन वंश तक कंप्लीट करा दिया था। तो जो मेन टॉपिक बच गया था मौर्योत्तर काल में वो बचता है कुशाण वंश, क्योंकि कुशाण वंश अपने आप में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक जरूरी बात जो मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक प्रैक्टिस सेट, नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो अब एक दो दिन में कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट में क्या है कि आधुनिक भारत पूरा, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर और जो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो करीब करीब मान के चलिए कि करीब 3,350 क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो बताई थी जिसमें 15-15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सिक्के से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस वीडियो के, उस सॉरी नोट्स के अंदर डाले हुए हैं। तो कुल मिला के 3,000 से 3,500 के करीब ये फैक्चुअल पॉइंट्स है। उसके बाद जो उसका सेकंड सेक्शन आता है उस नोट्स के अंदर, वो है प्रैक्टिस सेट। और वो प्रैक्टिस सेट इस टाइप का है कि इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक पेज पर करीब 100 से लेके 110 तक क्वेश्चन है। तो उस वो क्वेश्चन है और उसके आगे ब्लैंक छूटा हुआ है, मतलब वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 10 सेट आपको ये मिलते हैं, करीब करीब 1,000 से लेके 1,100 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। अब उसमें क्या है कि उसमें आपको उसकी आंसर की लास्ट में दी हुई है, केवल आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको आंसर याद होगा। ठीक है, आप बुक कोई भी पढ़ लें, बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिना ऑप्शन के आपको याद रखना है। तो करीब 1,000 या 1,100 क्वेश्चन ये आपको हेल्प करेंगे कि आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने की। ठीक है, जो उसका थर्ड सेक्शन आता है उस नोट्स के अंदर, वो थर्ड सेक्शन है, वो है प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। उसमें क्या है कि एक सेट होगा, उस सेट में हमारे करीब करीब 75-80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो करीब करीब 20 सेट ऐसे होंगे, 20-25 सेट, देखते हैं कितने तैयार होकर आते हैं, मिनिमम 20 सेट तो रहेंगे। तो 20 सेट होंगे, करीब 1,600 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाते हैं, वो भी विद आंसर की। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट, कम नोट्स कह सकते हैं हम, जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाएगा। आप बुक्स कोई भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़िए, आप यूनिक पढ़ रहे हैं, यूनिक पढ़िए, या जो भी किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, या घटनाचक्र पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो नोट्स है वो इसी तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चली जाए। ठीक है गाइस, तो आपको परचेज करना होगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कैसे परचेज कर सकते हैं। तो इस पर परचेस करने का तरीका जो होगा वो पेटीएम के थ्रू ही आप परचेस कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफर के जरिए, क्योंकि मैंने किसी भी अमेजोन या किसी भी वेबसाइट पर इसको अपलोड नहीं किया है, डायरेक्टली मैं यहीं से इसको सेल करूंगा। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा पेटीएम के में ट्रांसफर करके या अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसा इसको, नोट्स को ले सकता है। ठीक है, नोट्स की कीमत होगी वो 200 रुपए के आसपास होगी। ठीक है, 10-20 रुपए कम ज्यादा है, ठीक है, 200 के आसपास रहेगी, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे आपको खरीदना है, कैसे है सब सब प्रोसेस मैं बताऊंगा, बल्कि इसका रिव्यू बताऊंगा इस नोट्स के अंदर, और क्या क्या चीजें कैसे कैसे दिया हुआ है तरीके से। ठीक है, लेकिन आज आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा कुशाण वंश। तो कुशाण वंश में जो बात करते हैं, कुशाण वंश के ऊपर पहले मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाकी आगे चलेंगे। देखिए, कुशाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफीसेस। कौन था संस्थापक? कुजुल कडफीसेस। कुशाण वंश से जो संबंधित बात आती है वो आती है, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई थी वो कुशाण वंश पे चलाई गई थी। जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए थे वहां पर ये भी पॉइंट आया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम
जो स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे कुषाण वंश में चलाए गए थे। कुषाण वंश से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि इस काल में गांधार कला पर विशेष जोर दिया गया था। कला कोई भी कला होती है, कला आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज कला में आती है, ठीक है। अब इसके साथ गांधार शब्द क्यों जोड़ा गया, क्वेश्चन एक बार आया था एसएससी में कि जो कुषाण वंश में जो कला चलाई गई थी उसके साथ गांधार शब्द क्यों जोड़ा गया है, तो उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताता हूं कि गांधार जो जगह का नाम है, एक गांधार जगह का नाम है, उस गांधार जगह के नाम से इसका नाम गांधार कला पड़ा है और कोई इसके पीछे मेन रीजन नहीं है। जो एक गांधार कला थी वो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण है, इस गांधार कला की वजह से ही तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध हुआ था, समझ गए, ठीक है। तो ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं देखो ध्यान से समझने की बात है कि एक दूसरे से लिंक करके चल रहे हैं आप, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है जीके को तैयार करने का। देखिए बुक में हम बहुत सारी चीजें होती है फैक्चुअल पढ़ते चले जाते हैं लेकिन याद नहीं होता, जब हम किसी चीज को एक दूसरे से लिंक करते हैं तब वो चीजें आसानी से याद हो जाती है। तो कुषाण वंश में बात करेंगे कब गांधार कला पर विशेष जोर दिया गया था, और जो गांधार कला थी वो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का मेन कारण थी, ठीक। मूर्तियों का निर्माण सबसे ज्यादा जो हुआ था वो कुषाण वंश में ही हुआ था, ये भी मैंने पॉइंट आपको बताया था पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं कुषाण वंश में जो इसका प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क, और कनिष्क से रिलेटेड ही मेन पॉइंट आते हुए हैं। कनिष्क जो राज्याभिषेक हुआ था 72 ईस्वी में, ठीक है, एक शैव धर्म से संबंधित था, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को ही इसने संरक्षण प्रदान किया, उसी को बाद में अपना लिया था। 78 ईस्वी में उसने एक संघ संवत चलाया था जो राष्ट्रीय पंचांग इसी संघ संवत पर आधारित है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो इसी संघ संवत पर आधारित है और उसी के आधार पर आज भी चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं जो कनिष्क था उसकी पहली राजधानी थी कुरुशपुर, जो आज का पेशावर है। क्वेश्चन पूछा गया अभी कि पेशावर का पुराना नाम क्या है, पेशावर किस शहर का पुराना नाम है, तो आंसर आ जाता है कुरुशपुर किस शहर का पुराना नाम है, तो आंसर हो जाता है पेशावर, या पेशावर का पुराना नाम क्या है, तो आंसर हो जाता है कुरुशपुर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, सीपीओ 2014 के आसपास पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी राजधानी थी मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक। हाँ, कनिष्क ने सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था, सिल्क मार्ग को का जो निर्माण कराया था वो कनिष्क को ही इसका श्रेय जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके काल में कुछ विद्वान हुए थे, उन विद्वान के नाम है आपको बता दूं, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और मथुरा। जो अश्वघोष थे बुद्धचरित और सूत्रालंकार नामक इन्होंने रचनाएं की थी, ठीक है। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और भारत का मिल्टन भी इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नागार्जुन को मैंने बताया था कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का मिल्टन आइंस्टीन, आइंस्टीन जो कहा जाता है वो कहा जाता है नागार्जुन को। वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक का नाम आता है आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है, चिकित्सक थे, चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। बात करते हैं मंथरा की, मंथरा एक प्रसिद्ध दार्शनिक संगीतकार और साहित्यकार और वैज्ञानिक थे। तो ये मेन पांच व्यक्तियों के बारे में, पांच विद्वानों के बारे में बात करते हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और मंत्रा। और इनके बारे में जितने भी मैंने एक एक पॉइंट आपको एक एक दो दो पॉइंट जो बताए हैं वो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, और जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए समझा के बता दिया है, और इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से ये बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल से परिचित नहीं है तो प्लीज नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जीके से रिलेटेड
मैथमेटिक्स से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो हम डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। धन्यवाद।